हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता और मेरे साथ है मेरे मित्र उत्तम केवट और एक ऐसे शख्स जो मिथुन दा की हूबहू आवाज निकालते हैं। और यकीन मानिए, जब ये एक्टिंग करते हैं संजय भाई, तो ये मिथुन दादा बन जाते हैं बिल्कुल। और आप देखते रह जाएंगे, यकीन मानिए। ये वीडियो इतने लोगों ने देखा है, ये इनका दूसरा वीडियो है। जिन्होंने ना देखा हो, एक वीडियो देखिएगा। और आइए चलते हैं, मिथुन दा से हूबहू मिलते हैं। जी, जाता हूँ मंदिर, जलाता हूँ अगरबत्ती, लोग मुझे ही कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती। क्या बात है, क्या बात भाई। कर्मों की सजा हर आदमी को मिलती है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो यही मथुरा काशी है। वाह वाह वाह, क्या बात अमित सिंह। पर्वत से गिर के इंसान उठ सकता है, पर चरित्र से गिर के इंसान नहीं उठ सकता है। एक बार किसी भी आदमी का धन चला गया, दोबारा कमा लेंगे कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य चला गया, थोड़ा बहुत गया, मगर जिस आदमी का चरित्र चला गया उसका सब कुछ नष्ट हो गया। और जिंदगी जिएगा जरूर, मगर एक जिंदा लाश की जिंदगी। न तो वो जीने की गिनती में आता है और ना मरने की गिनती में आता है। वाह 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 वाह। भाइयों, हर इंसान को जीने का अपना कर्तव्य सिखाता है, क्योंकि कर्म का फल अटल है। जहां धर्म है वहां शांति है, जहां शांति है वहां सुख है, जहां सुख है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहीं सब कुछ है। वाह वाह, क्या बात है। इधर देखिए आप, इन नारायण इस संसार में भूपत भय अनेक, मैं मेरा करते रहे ले न गए तनेक। आदमी तो एक मुसाफिर है, आता है जाता है, बस आते जाते रास्ते पर अपनी यादें छोड़ जाता है। सही। देखो भाई, चल भीमा थाने चल, नहीं तो टांगे तोड़कर मैं तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। मुझसे टकराएगा तो टूटकर बिखर जाएगा, तेरा सर इधर आएगा, तेरा पैर उधर जाएगा। क्या बात है, संजय जी। ये मिथुन जी की आवाज में इतना सुंदर मैसेज दे देते हैं, क्या बोलना चाहिए, कोई चुनिंदा डायलॉग मिथुन जी का, जी सुना दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ कि अगर मेरा ईमान खरीदने की दोबारा कोशिश की जी, तो जिंदगी के इतने टुकड़े कर दूंगा कि उन टुकड़ों को गिन करके आसमान का भगवान पागल हो जाएगा। यहाँ के जाने के पहले एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, पीछे हो जाओ आप लोग, कि जब तक कहानी में इतिहास नहीं बनता इंसान आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि पुस्तक स्था तो या विद्या पर हस्त गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नशा विद्या नतर धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन, आवश्यकता पड़ने पर न तो विद्या काम देती है और न ही धन। भाइयों, मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय पर, आज नहीं तो कल, हमारे प्रिय हनुमान जी से यही अनुरोध है कि मैं अपने सपनों को सकारात्मक रूप से ध्यान दे सकूं, क्योंकि तो कर्मों की सजा पर लगाई आग कभी मिटती नहीं है। क्योंकि तो इंसान आगे बढ़ने के लिए हर तरफ से आगे बढ़ने का तरीका सोचता है, अनुशासन उसकी दृष्टि है जो आगे बढ़ाकर सपनों को आगे बढ़ा देती है। क्योंकि बेईमानी की वजह से दूसरों को ठगा जा सकता है, उस आदमी को धोखा दिया जा सकता है, पर उसे जीता नहीं जा सकता। क्या बात है। भाइयों, तलवार की धार इतनी तेज होती है तभी अपने मयान को कभी नहीं काटती। इसलिए ए समाज वाले, समाज और समाज के बीच दुश्मनी का बंधन बांधकर अपनी जिंदगी के सड़कों पर नहीं चलना, नहीं तो बुराई की इतनी आग लगेगी कि उस आग को बुझाते बुझाते सुबह से शाम हो जाएगी। क्या बात है।